हाय गाइस, आई एम रितु और आज के भोग प्रसाद की रेसिपी है ये सूजी का हलवा। इसके बिना तो नवरात्रि अधूरी है। अष्टमी या नवमी जिस भी दिन आप कन्याओं का पूजन करते हैं उस दिन ये जरूर ही बनता है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी इसकी एकदम परफेक्ट रेसिपी, जिससे आप कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितना भी बनाएंगे कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे एक कटोरी सूजी, एक कटोरी चीनी और एक कटोरी घी। तो जितना भी आपको बनाना है आपको तीनों की जो क्वांटिटी है वो सेम रखनी है, वेट के हिसाब से नहीं, कटोरियों के हिसाब से, या आप किसी बड़े बर्तन ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो किसी बड़े बर्तन के हिसाब से तीनों को एक बराबर रखना है। अब एक कढ़ाई या पैन जो भी है उसे लेंगे, उसमें डालेंगे घी और उसके बाद सूजी डालकर इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। फ्लेम को रखेंगे हम मीडियम टू लो के बीच में, बहुत ज़्यादा लो नहीं बहुत ज़्यादा हाई नहीं, मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। और जब ये भुनते भुनते बढ़िया से देखिए झाग इसमें आने लगेंगे, और अब झाग आने लगे हैं और धीरे धीरे सूजी जो है वो भारी भरकम हो जाएगी और उसके बाद वो जाकर नीचे बैठ जाएगी और सारा घी जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो जब तक हमें इसको भूनना है और लो फ्लेम पर पेशेंस के साथ आराम से भूनिए। और ये देखिए सूजी भारी होने लगी है, नीचे की तरफ बैठने लगी है और घी सारा ऊपर की तरफ आने लगा है। तो लगभग 5 मिनट तक हमें इसको इसी तरह से भूनना है और सूजी को हमें अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि अगर सूजी को हमने अच्छी तरह से नहीं भूना तो हलवा बनने के बाद में कच्चा कच्चा लगेगा और उसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और चीनी ऐड करेंगे तो उसके बाद थोड़ा बहुत कलर में डिफरेंस आएगा, और अगर कच्ची भुनी होगी ना तो वो एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा बनेगा। तो ये देखिए बढ़िया से हमारी जो सूजी है वो भुनने लगी है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आने लगी है। और जब इस तरह से सूजी घी को छोड़ दे तब आप फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर ही इसको भूनिए मुश्किल से 1 से 2 मिनट में, क्योंकि जो घी की हीट है ना उससे बहुत जल्दी ही सूजी भुन जाएगी। अब ये भुन चुकी है अच्छी तरह से, अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। पानी हमें लेना है यहाँ पर जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से हमें उतना ही नाप का 4 कटोरी पानी ले लेना है, मतलब 1 कटोरी सूजी ली थी तो 4 कटोरी यहाँ पर पानी लेना है। तो कोई भी मेजरमेंट आप करें, एक बर्तन को सेट कर लें उसी के हिसाब से आपको सारा मेजरमेंट करना है। अब यहाँ पर हम किशमिश डाल देंगे और इसी टाइम में भी किशमिश डाल दीजिए जिससे वो अच्छी तरह से फूल जाएगी। अब हम इसको चलाएंगे और आप मीडियम फ्लेम पर इसको इस समय चलाते रहिए और धीरे धीरे देखिएगा ये अभी आपको यहाँ पर घी दिख रहा है और धीरे धीरे ये वाइट हो जाएगी। और ये देखिए इसने अपना कलर चेंज कर दिया है, सूजी फूलनी स्टार्ट हो गई है फिर से। और अब ये थोड़ी देर पानी में पकेगी, इससे बहुत अच्छे से हलवा आपका बनकर तैयार होगा। अब ये पक चुकी है और इस तरह से इसने पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है थोड़ा थोड़ा। अब हम यहाँ पर चीनी को ऐड कर देंगे, चीनी भी हमने उतनी ही ली है जितनी की सूजी थी। और अब चीनी डालकर हम इसको फिर से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे। और इसी समय पर हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट, पिस्ता और बादाम। ड्राई फ्रूट्स सारे आपकी मर्जी है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद इसको मिक्स करके थोड़ी देर भूनेंगे। हमारे चैनल पर बिना पानी के बनने वाला सूजी के हलवे की रेसिपी भी अवेलेबल है, तो ज़रूर देखें क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग है। और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही आई बटन पर भी लगा दूंगी जहां से आप जाकर देख सकते हैं। और बस इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ ना दे। और ये देखिए बढ़िया से इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है, बढ़िया सा इसमें कलर भी आ चुका है, अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, घी भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बढ़िया सा हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर फिर से डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, तो डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है हमने, फिर से बादाम और पिस्ता डाल देंगे और इसको कर देंगे गार्निश। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और अब आप इस रेसिपी के साथ में कभी भी कितनी भी क्वांटिटी में एक परफेक्ट सा हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक्स फॉर